हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मर रिसर्च सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा नाइपर का क्वेश्चन पेपर नंबर फोर इस पेपर में मैं आपके साथ टोटल हंड्रेड एम की क्वेश्चन डिस्कस करूँगा एंड uh, इसके अलावा इससे पहले इसी सीरीज़ में तीन और वीडियोस आ चुकी हैं जिसमें मैंने तीन क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए थे जिसमें टोटल थ्री हंड्रेड मैंने डिस्कस किए हैं सो so, आज की वीडियो में भी मैंने 100 एम सी इंक्लूड किए हैं इसके बाद इस सीरीज़ में लास्ट एक वीडियो आएगी कल जिसमें मैं रिमेनिंग 100 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करूंगा। सो so, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले इस वीडियो को सो so, आज का पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ एच फाइव एंड वन इन द न्यूज़ इन रिसेंट टाइम्स मींस एच फाइव एन वन क्या है इसके बारे में हमें बताना है तो so, ये क्वेश्चन काफ़ी पुराना है सो so, जो एच फाइव एन वन है वो एक वायरस है कॉजिंग बर्ड फ्लू बर्ड फ्लू कॉज करता है वो एक वायरस है एच फाइव एन वन सो ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है परसिस्टेंट रेस्पी कफ इज द साइड इफेक्ट ऑफ सो परसिस्टेंट रेस्पी कफ किस ड्रग का साइड इफेक्ट है तो so, है एस इनहिबिटर्स का साइड इफेक्ट होता है परसिस्टेंट रेस्पी कफ ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है एंथेल्पी इज़ यूज टू मेज़र एंथेल्पी का यूज़ किस चीज़ को मेज़र करने के लिए किया जाता है सो एंथेल्पी हीट ट्रांसफ़र को मेज़र करने के लिए यूज़ की जाती है सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाइनो एसिड एलानिन इन आवर बॉडी हैज़ डैश कन्फिग्रेशन जो हमारी बॉडी में एलानिन अमाइनो एसिड होता है उसकी कन्फिग्रेशन कैसी होती है सो so, एलेन की कन्फिग्रेशन होती है एस कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस प्रोजेक्शन फार्मूला इज कॉल्ड एज सो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिया गया है इसमें हमें प्रोजेक्शन फार्मूला दिया गया है ये सो so, इस प्रोजेक्शन फार्मूला को क्या कहते हैं सो दिस प्रोजेक्शन फार्मूला इज नॉन एज फिशर फार्मूला सो ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है रेफेम्पिसिन इज यूज नॉट ओनली इन टी बी वर्ट इन डैश ऑल्सो सो रेफेम्पसिन ट्यूबर ग्लॉसिस की ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है एज वेल एज ये लेप्रोसी की ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है ल्यूमिनेसेंस फ्लोरोसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस आर द टाइप्स ऑफ सो so, ल्यूमिनेसेंस फ्लोरोसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस ये तीन फिनमिना हैं जो कि हमें एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखने को मिलते हैं सो ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड काइनेटिक्स डील्स विद रेड काइनेटिक्स किसके साथ डील करती है सो इट डील्स विद द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मोलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऑल ऑफ दो ये इन तीनों के साथ डील करती है रेट काइनेटिक्स सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग साइटोटॉक्सिक प्रोडक्ट ऑप्टेन फ्रॉम मेराइन सोर्स सो इनमें से कौन सा प्रोडक्ट जो है वो मेराइन सोर्स से ऑप्टेन होता है एंड इज साइटोटॉक्सिक इन नेचर सो वो ड्रग है ब्रायोस्टेटिन ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैटी एसिड इज बायोसिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन बॉडी सो इनमें से कौन सा फैटी एसिड जो है वो ह्यूमन बॉडी में सिंथेसाइज होता है सो ओलिक एसिड इज द फैटी एसिड विच इज सिंथेसाइज इन द बॉडी ह्यूमन बॉडी नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द कन्फर्मेशन ऑफ एसमेट्रिक कार्बन इन स्ट्रक्चर बिलो तो ये एसमेट्रिक कार्बन है इसकी हमें कन्फर्मेशन बतानी है आर कन्फिग्रेशन है एस कन्फिगरेशन है ई e है या जेड है so, सो काइरल कार्बन की जो कन्फर्मेशन है वो है एस कन्फर्मेशन ऑप्शन बी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू द लेटर्स एक्स पी स्टैंड फॉर इन द प्रोडक्ट विंडो एक्स पी मीनस ये बेसिक जीके का क्वेश्चन है कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन है तो विंडो एक्सपी में जो लेटर एक्सपी है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है सो विंडो पी में पी स्टैंड करता है एक्सपीरियंस को ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है रोल स्लो इज रिलेटेड विद सो रोल स्लो किसके साथ रिलेट करता है सो इट इज रिलेटेड विथ वेपर प्रेशर ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है बिटेन इज एन इंटरमीडिएट ऑफ द डैश रिएक्शन बिटेन किस रिएक्शन का इंटरमीडिएट है सो इट इज द इंटरमीडिएट ऑफ बिटिंग रिएक्शन ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज़ द डोमिनेंट एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड इन प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स सो इनमें से डोमिनेंट एंटीबॉडी कौन है जो कि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से प्रोड्यूस होती है इसमें आई एंटीबॉडी है जो कि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से प्रोड्यूस होती है ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है टिंडलाइजेशन इज सो टिंडलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है ये स्टरलाइजेशन का प्रोसेस है एंड इसमें मीडियम को हीट किया जाता है एटी डिग्री सेल्सियस पे फॉर वन आर ऑन थ्री सक्सेसिव डेज तीन लगातार दिनों पे इसे हीट किया जाता है मीडियम को एट्टी डिग्री सेल्सियस पे एक घंटे के लिए सो ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज ए नोवल हिस्टोन डी एसेटाइलेज इन्हीविटर यूज फॉर कैंसर ट्रीटमेंट इनमें से कौन सा एक नोवल हिस्टोन डी एसेटाइलेज है जो कि कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है तो so, ये है रोमीडेप्सिन ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है रिंग एनालॉग्स ऑफ शुगर आर कॉल्ड एज शुगर के जो रिंग एनालॉग्स हैं उन्हें क्या कहा जाता है तो so, उन्हें कहा जाता है एनोमर्स ऑप्शन ए ऑप्शन सी इज करेक्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्रीज लेवल ऑफ क्रेटनिन काइनेज इज़ द इंडिकेशन फोर अगर बॉडी में क्रेटनिन काइनेज के लेवल्स इंक्रीज हो जाए सो so वो किस डिजीज uh, की इंडिकेशन होती है सो इट इज़ द इंडिकेशन ऑफ एक्यूट हेपेटाइटिस ऑप्शन ए इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच माइक्रोस्कोपिक टेक्निक यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेलुरर स्ट्रक्चर सेलुलर स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए जो माइक्रोस्कोपिक टेक्निक यूज़ की जाती है वो है फेज़ कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है डी ओ पी पी एंड पी ए ओ टेस्ट आर यूज फॉर द इवेल्यूशन ऑफ़ एफिशियंसी पी पी एंड पी ए ओ टेस्ट ये दो टेस्ट हैं जो कि किस चीज़ के एफिशिएंसी के लिए आ, किस चीज़ की एफिशिएंसी को इवेल्यूएट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं सो so, ये यूज़ किए जाते हैं हैंपा फिल्टर की एफिशिएंसी को इवेल्यूएट करने के लिए ऑप्शन डी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेंज ऑफ आई आर ऑब्जॉर्प्शन फॉर एसिड क्लोराइड इज डैश सेंटीमीटर इनवर्स एसिड क्लोराइड के लिए आई आर ऑब्जॉर्प्शन की रेंज कितनी होती है तो so, इसकी रेंज होती है एटीन हंड्रेड टेन सेंटीमीटर इन्वर्स ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आई आर ऑब्जॉर्प्शन में जितनी भी इंपॉर्टेंट पीक्स हैं उसकी आई आर रेंजेज आपको पता होनी चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेपरेटिव एच पी एल सी इज यूज फॉर प्रेपरेटिव एच पी एल सी यूज़ की जाती है किसके लिए सो so, ये एल कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए यूज़ की जाती है सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड टू अवॉइड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सिरप सिरप में ऐसी क्या चीज़ ऐड की जाती है जिसके जिसकी वजह से हम क्रिस्टलाइजेशन को अवॉइड कर सकते हैं सो so, अगर सिरप में पॉलीसिस्टिक अल्कोहल को ऐड कर दिया जाए सो so उसकी वजह से क्रिस्टलाइजेशन जो है वो अवॉइड हो जाती है सो ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइज ऑफ ड्रॉपलेट इन इमल्शन इज इमर्शन में ड्रॉपलेट का साइज कितना होता है तो so, इमर्शन में साइज़ होता है जीरो पॉइंट फाइव टू फिफ्टी माइक्रोमीटर ऑप्शन ए इज़ करेक्ट देन नेक्स्ट क्वेश्चन है रोपिनी रोल इज यूज एज सो so, रोपिनरोल एक ड्रग है जो कि पार्किंसन की पार्किंसन को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है एंटी पार्किंसन कैटेगरी का ये एक ड्रग है सो ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है मीथोट्रैगजेट एक्सर्ट्स इट्स एक्शन बाय मीथोट्रैगजेट अपना काम कैसे करती है क्या इसका बेसिक मेकेनिज्म ऑफ एक्शन है सो so, ये प्योरिन सिंथेटेज के साथ इंटरफेयर करके सिंथेटेज को इंटरफेयर करती है एंड देन ये आपका एंटी कैंसर एक्शन जो है वो शो करती है ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कुर्ची बार बिलोंग्स टू डैश फैमिली सो कुर्ची की फैमिली क्या है सो so, कुर्ची बार की फैमिली है एपोसाइनेसी ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेंज ऑफ आई आर फॉर लेक्टम रिंग्स इज डैश सेंटीमीटर इनवर्स तो लेक्टम रिंग्स के लिए आई आर की रेंज कितनी होती है तो so इसकी रेंज होती है सेवनटीन हंड्रेड सेवेंटी सेंटीमीटर इनवर्स ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आई ड्रॉप्स डिफर फ्रॉम पेरेंटल प्रपरेशंस बाय आई ड्रॉप्स पेरेंटल प्रिपरेशन से कैसे डिफरेंट हैं सो इनका जो मेन डिफरेंस होता है वो पायरोजेनिसिटी की वजह से होता है सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर आयर रीजन लाइज इन द रेंज ऑफ जो इंफ्रारेड रीजन होता है वो किस रेंज में लाई करता है इंफ्रारेड रीजन मीन्स बेसिकली हम बात करें फंक्शन ग्रुप रीजन एंड फिंगरप्रिंट रीजन जो है वो किस रेंज में लाई करता है सो इट लाइज बिटवीन फिफ्टीन टू टू हंड्रेड माइक्रोमीटर ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोक्रेटिक टेक्निक इज द टेक्निक ऑफ इल्यूशन दैट इंक्लूड्स सो आइसोक्रेटिक टेक्निक क्रोमेटोग्राफी की एक टेक्निक है जिसमें एल्यूशन के लिए ये बहुत यूजफुल टेक्नीक है एंड इसमें क्या होता है सो so, ये बेसिकली इसमें जो सॉल्वेंट सिस्टम है उसे सेम रखा जाता है पूरे प्रोसेस के दौरान ठीक है जिसकी वजह से आइसोक्रेटिक टेक्निक कहा जाता है सो ऑप्शन इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिवर्स कॉलिन इनहिबिटर इंडिकेटेड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अल्जाइमर्स डिजीजेज सो अल्जाइमर डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए एक रिवर्स कॉलिन इनहिबिटर जो इंडिकेट किया जाता है वो कौन सा एजेंट है वो है एड्रोफोनियम ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है रिएक्शन एट काइरल कार्बन थ्रू एस एन टू मैकेनिज्म कॉजेज सो एस एन टू मैकेनिज़्म के थ्रू काइरल कार्बन पे जो रिएक्शन होता है उसे क्या कहा जाता है वो क्या चीज़ कॉज करता है सो so, उसमें जो मेन चीज़ जो देखी जाती है वो होती है इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन ऑप्शन बी इज़ करेक्ट इन्वर्जन इन्वर्जन टर्म याद रखना है इसमें एसन टू में इन्वर्जन वॉल्डन इन्वर्जन भी इसे कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है एन अलाइल डेरिवेटिव ऑफ डाई हाइड्रो इज़ सो इड्रोक्सी मोर्फिन का जो एन अलाइल डेरिवेटिव है वो होता है नेलोरफिन ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉल बेप्टन इज सो टॉल बेप्टेन क्या है सो टॉल बेप्टेन एक कॉम्पिटिटिव अर्जिनिन बेसोप्रेसिन रिसेप्टर टू एंटागोनिस्ट है इट इज कंपिटिटिव अर्जिन बेसोप्रेसिन रिसेप्टर टू एंटागोनिस्ट सो ऑप्शन बी इज करेक्ट दे नेक्स्ट क्वेश्चन है एलोस्टेरिक बाइंडिंग मीन्स एलोस्टेरिक बाइंडिंग क्या होती है सो एलोस्टेरिक बाइंडिंग होती है बाइंडिंग टू द साइट अदर देन द एक्टिव बाइंडिंग साइट ऑन द सेम एंजाइम, सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है जी सी इज़ फिफ्टी परसेंट स्ट्रॉन्गर बेस पेयर एज कम्पेयर टू ए टी वाई तो जी सी जो बेस पेयर होता है वो पचास परसेंट जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है देन एटी उसका मेन रीज़न क्या है सो so, जो मेन रीज़न है इसके पीछे वो ये होता है कि जो जी सी है उसमें तीन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होती हैं मीन्स तीन हाइड्रोजन बॉन्ड से वो जुड़ा होता है एंड ए टी में सिर्फ दो ही हाइड्रोजन बॉन्ड्स होती हैं सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सॉफ्टवेयर यूज इन थ्री डी क्य एस सी आर सो थ्री डी क्यू एस सी आर क्वान्टिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप इसमें कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है सो इसमें कॉम्फा सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ अथॉरिटी टू प्रिंट वन रुपी करेंसी नोट एक रुपए के करेंसी नोट को प्रिंट करने के लिए किसके पास अथॉरिटी होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ऑप्शन ए इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इज द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद सो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म प्रॉब्लम किसके साथ एसोसिएटेड होती है किस टाइप की डोजेज के साथ सो इट इज एसोसिएटेड विद ओरल डोजेज फॉर्म ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉर्फिन डज नॉट कॉज सो मॉर्फिन इनमें से कौन सी कंडीशन या कौन सा साइड इफेक्ट नहीं कॉज करेगा सो so मॉर्फिन कंस्ट्रक्शन करवाता है पीपल की सी एन एस डिप्रेशन रेस्पायरेटरी डिप्रेशन ये तीनों चीज़ें होती हैं लेकिन डायरिया इसमें कॉज नहीं होता सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ दिस इज फॉर्म बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी इन ह्यूमन सेल्स सो विटामिन डी की ह्यूमन्स में बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म कौन सी होती है so, इसमें कैलसी ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रिलेज एंजाइम कैटालाइज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्रिलेज एंजाइम जो है वो किसकी हाइड्रोलाइसिस कॉज करता है सो इट कॉजेज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइल्स टू अमाइड्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज सॉफ्ट आयनाइजेशन सोर्स इन मास स्पेक्ट्रोमीटर मास स्पेक्ट्रो मास स्पेक्ट्रोमीटर में सॉफ्ट आयनाइजेशन सोर्स इनमें से कौन सा है सो केमिकल आयनाइजेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रे आयनाइजेशन एंड मेल ये तीनों ही सॉफ्ट आयनाइजेशन सोर्स हैं तो ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट ग्लाइकोलाइसिस इनमें से फॉल्स स्टेटमेंट हमें बतानी है ग्लाइकोलाइसिस के लिए सो so, ग्लाइकोलाइसिस जो है वो एरोबिक एंड एनरोबिक कंडीशन दोनों में आकर करती है दोनों में प्रोडक्ट अलग अलग आता होता है एरोबिक एंड एनारोबिक में लेकिन दोनों कंडीशन में ये फॉलो होती है देन इट इज़ अ मेजर पाथवे फॉर एटीपी प्रोडक्शन इन टिश्यूज लैकिंग इंग सो ऐसे टिश्यूज़ जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है या नहीं होती है सो so उसमें ए प्रोडक्शन जो है उसके लिए मेजर पाथ पे रहता है तो so ये स्टेटमेंट भी सही है नेक्स्ट है लेक्टेड इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक कंडीशन सो लेक्टेड एंड प्रोडक्ट नहीं होता है एरोबिक कंडीशन में सो so ये स्टेटमेंट गलत होगी ग्लाइकोलाइसिस के लिए देन इट इज़ असेंशियल फॉर ब्रेन ये स्टेटमेंट एकदम सही है सो so इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट पूछी थी सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है होमाट्रोपिन इज होमाट्रोपिन क्या है होमाट्रोपिन इज अ ट्रोपिन एस्टर ऑफ मेंडेलिक एसिड इट इज अ ट्रोपिन एस्टर ऑफ मेंडेलिक एसिड ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यू क्यू इज सिंबल फॉर बिच अमाइनो एसिड किस अमाइनो एसिड के लिए क्यू सिंबल का यूज किया जाता है तो इसमें ग्लूटामाइन के लिए क्यू सिंबल यूज किया जाता है ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन ऑफ एच आर टू स्टाइरिन गिव्स अगर एच आर को स्टाइरिन में ऐड किया जाए अकॉर्डिंग टू एंटी मार्क मार्कोपनिकोव रूल के अकॉर्डिंग सो so उसमें हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा तो इसमें प्रोडक्ट मिलेगा प्रोडक्ट मिलेगा वो है बीटा ब्रोमो इथाइल बेंजीन ऑप्शन ए इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ अल्कोहल डी हाइड्रोजेनेजेज तो अल्कोहल डी का फंक्शन क्या है अल्कोहल डी का फंक्शन होता है कन्वर्जन ऑफ टॉक्सिक अल्कोहल टू अल्डीहाइड्स ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ आर हैंड ऑफ अ क्लॉक एट ट्वेल्व नून इज एट नॉर्थ ईस्ट देन एट वन पीएम एम वेयर विल बी हैंड आर हैंड ऑफ द क्लॉक तो अगर बारह बजे हैंड क्लॉक जो है वो नॉर्थ ईस्ट पे है एक बजे उसकी पोजीशन क्या होगी सो so, इसकी पोजीशन होगी ईस्ट ऑप्शन बी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल शिफ्ट इन एनएमआर इज़ एक्सप्रेसड है एनएमआर में केमिकल शिफ्ट कैसे एक्सप्रेस की जाती है तो so, ये डेल्टा वैल्यू में पार्ट्स पर मिलियन इसमें ये एक्सप्रेस की जाती है एन की केमिकल शिफ्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्कोलॉइड यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट इज गाउट की ट्रीटमेंट में यूज किया जाने वाला अल्कोलॉइड होता है कोलचिसिन ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज आरबीआई बी आरबीआई नेशनलाइज कब नेशनलाइज हुआ था तो ये एक जनवरी 1949 को नेशनलाइज हुआ था सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट 1935 में इंडिया में आर जो है वो पहले आया था लेकिन वो ब्रिटिश टाइम पे आया था नेशनलाइज जब हुआ था वो एक जनवरी 1949 को हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर प्रोडक्ट ऑप्टेन फ्रॉम प्योर मेटाबॉलिज्म इज़ सो प्योर मेटाबॉलिज्म की वजह से जो मेन प्रोडक्ट ऑप्टेन होता है वो कौन सा प्रोडक्ट है सो so, वो प्रोडक्ट है यूरिक एसिड ऑप्शन बी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टली कंप्रेसिबल पॉलीमर इनमें से कौन सा डायरेक्टली कंप्रेसिबल पॉलीमर है तो डायरेक्टली कंप्रेसिबल पॉलीमर है एबिसिल ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबल प्राइज फॉर एच आई वी वायरस डिटेक्शन वॉज़ अवॉर्डेड टू एच आई वी वायरस डिटेक्शन के लिए नोबल प्राइज़ किसे मिला था तो नोबल प्राइज़ मिला था हेराल्ड जोर हाउज़र ऑप्शन ए को नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ़ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल शो टू स्पाइक्स एट द एनएच स्ट्रेचिंग सो इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो दो स्पाइक देगा एनएच स्ट्रेचिंग के जो कि ओवर थर्टी वन हंड्रेड से थर्टी फाइव हंड्रेड के बीच में हमें देखने को मिलेंगे सो so, ये प्राइमरी अमाइन की वजह से होता है सो ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरोटोनिन इज सीरोटोनिन क्या है तो so, सीरोटोनिन एक मोनोमाइन uh, है ऑल्सो एक्ट एज केमिकल मेडिएटर एंड इज अट्रांसमीटर सो ऑप्शन डी ऑल इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर कोटिंग एंटेरी कॉटिंग के लिए इनमें से कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है एंटेरिकॉटिंग के लिए कैप जो है वो यूज किया जाता है पी फॉर थैलेट नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीबॉडी कंसिस्ट ऑफ सो एंटीबॉडी कैसी होती है इसका बेसिक स्ट्रक्चर हमें बताना है सो so एंटीबॉडी में चार पॉलीपेप्टाइट्स होते हैं जिसमें दो हैवी चेंस होती हैं दो लाइट चें्स होती हैं जो कि ज्वाइन करके एक वाई शेप का मॉलिकुल बनाती हैं सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है एंडोथेलिन इज एंडोथेलिन क्या है सो एंडोथेलिन इज अ बेसो कंस्ट्रक्टिंग पेप्टाइड ऑप्शन ए इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मेनी ऑफ द न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज देयर इज अ रिपीट ऑफ तो बहुत सारे न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज में क्या चीज़ रिपीट देखने को मिलती है सो so, इसमें हमें सी ए जी न्यूक्लेटाइड जो है सी ए जी न्यूक्लेटाइड वो ट्रिपलेट होता है सी ए जी न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट देखने को मिलता है जो कि एन कोड होता है ग्लूटामाइन अमाइनो एसिड के लिए सो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कैन क्रॉस ट्रिपल बी दैट इज ब्लड ब्रेन बैरियर सो जो रिफेपेसिन ड्रग है रिफेपेसिन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है लेप्रोसी में भी यूज किया जाता है ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द ड्रग इज़ ससेप्टेबल टू हाइड्रोलाइसिस देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ सुटेबल सो अगर ड्रग जो है वो हाइड्रोलाइसिस के ससेप्टेबल है सो so इनमें से कौन सी कंडीशन जो है वो सुटेबल रहेगी सो उस टैबलेट को या उस ड्रग को हम डायरेक्टली कंप्रेस कर सकते हैं सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनाइटोइन इज़ यूज इन फिनाइटोइन किस में यूज़ की जाती है सो इट इज़ यूज इन डिजिटेलिस इंड्यूस्ड एन अरिदमिया सो डिजिटेलिस के यूज़ की वजह से जो अरिदमिया कोज होता है उस कंडीशन में जो है वो फिनाइटोइन का यूज़ किया जा सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया सेटअप ऑन पहली प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया कब सेटअप हुई थी तो ये हुई थी पंद्रह मार्च उन्नीस सौ पचास को ऑप्शन बीज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग मैथड्स इज नॉट यूज फॉर द डिटोमिनेशन ऑफ पी इनमें से कौन सा मेथड जो है वो पी की डिटोमिनेशन के लिए यूज नहीं किया जाता है तो इसमें शेक फ्लास्क मेथड का यूज नहीं किया जाता है पी के ए की डिटोमिनेशन के लिए ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीमोक्विन इज यूज इन डैश फेज ऑफ मलेरियल साइकिल प्रीमाक्वइन स मलेरियल साइकिल के किस फेज के लिए यूज किया जाता है आइर प्री एथ्रोसाइटिक या फिर पोस्ट एथ्रोसाइटिक या फिर दोनों में या फिर किसी में भी नहीं तो so, प्रीमाक्विंग जो है इन दोनों ही uh, फेज में जो है वो यूज किया जाता है सो ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डोपामाइन एगोनिस्ट इनमें से कौन सा एक डोपामाइन एगोनिस्ट है सो डोपामाइन एगोनिस्ट है रोपिनी so, रोल रोटीगोटिन एंड प्रेमीपेग्जोड ये तीनों ड्रग ही डोपामाइन एगोनिस्ट हैं सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज डन फॉर अ फर्म बेस्ड ऑन सो डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज डन फॉर फॉर्म फर्म बेस्ड ऑन सो ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द ब्रेड्स रूल स्टेट ब्रेड्स रूल क्या स्टेट करता है सो इट स्टेट्स दैट डबल बॉन्ड कैन नॉट बी प्लेस्ड एट द ब्रिज हेड ऑफ अ ब्रिज रिंग सिस्टम सो ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटियोमिक्स इज द स्टडी ऑफ सो प्रोटीमिक्स किसकी स्टडी होती है सो प्रोटियोमिक्स इज द स्टडी ऑफ प्रोटीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है परसिस्टेंट डीफनेस इज द साइड इफेक्ट ऑफ परसिस्टेंट डीफनेस किस ड्रग का साइड इफेक्ट होता है सो इट इज द साइड इफेक्ट ऑफ स्टेप्टोमाइसिन ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटिन्स आर यूज एज स्टेटिन्स किस कंडीशन में यूज किए जाते हैं सो स्टेटेंस आर यूज एज हाइपोलिपिडेमिक एजेंट ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द फिफ्टीन कार्बन इंटरमीडिएट इन मेवेलॉनिक एसिड पे तो इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो फिफ्टीन कार्बन से बना हुआ है एंड मेवेलॉनिक एसिड पाथबे का इंटरमीडिएट है तो इसमें फेमिसिल पायरोफॉस्फेट इट इज अ इंटरमीडिएट ऑफ मेवेलॉनिक एसिड पे एंड इट कंटेन्स फिफ्टीन कार्बन आइटम इन इट स्ट्रक्चर नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिस एलिस्केरेन इज सो एलिस्केरेन क्या है एलिस्केरेन इज अ रेनिन इनहिबिटर ऑप्शन बी इज करेक्ट तो इस कैटेगरी में एक ड्रग आता है एलिस्केरेन ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है गावा बी एगोनिस्ट इज सो गावा बी एगोनिस्ट क्या है सो इनमें से गावा बी एगोनिस्ट है बेक्लोफेन एंड ऑप्शन बी में भी बेक्लोफेन दिया है सो कोई भी एक ऑप्शन ऑप्शन ए आप करेक्ट कर सकते हैं एंड बी बोथ आर करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज ऑल्सो कोल्ड एज प्लेनर क्रोमेटोग्राफी सो किस टाइप की क्रोमेटोग्राफी को प्लेनर क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है सो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को प्लेनर क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है पेपर क्रोमेटोग्राफी को भी प्लेनर क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है एंड ओपन बेड क्रोमेटोग्राफी को भी प्लेनर क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है सो ऑप्शन डी दैट इज ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्पिरिन इज सो एस्पिरिन क्या है तो so, एस्पिरिन एक कॉक्स इनहिबिटर है एंड ये इरिवर्सिबली एंड नॉन कंपिटेटिवली इनहिबिट करता है कॉक्स एंजाइम्स को ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कैटालेप्सी मीन्स कैटालैप्सी क्या होता है कैटालैप्सी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कॉन्शियसनेस का लॉस हो जाता है विद रिजिडिटी ऑफ मसल्स एंड कीप लिम्स इन फिक्स कंडीशन सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है टोनीफायर इज द इम्पॉर्टेंट एजेंट इन सो टोनीफायर किसका इंपॉर्टेंट एजेंट है सो so, टोनीफायर पेरेंट्रल्स के पेरेंट्रल्स uh, में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आइसोटोनिसिटी मेंटेन करने के लिए सो ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है मीटोक्लोप्रामाइड एंड एंटी एमेटिक एक्ट सेज सो मीटोक्लोप्रामाइड एक एंटी एमेटिक ड्रग है एंड uh, इसका मेन मैकेनिज्म क्या है ये किस रिसेप्टर पे एक्ट करता है सो so, मीटोक्लोप्रामाइड D2 टू रिसेप्टर फाइव एस रिसेप्टर को एंटागोनाइज करता है इन दोनों को एंड फाइव एस रिसेप्टर को एगोनाइज करता है सो ऑप्शन डी इज करेक्ट दैट इज डी टू एंड फाइव एस टी थ्री एंटागोनिस्ट है एंड फाइव एस टी फोर एगोनिस्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कीटो शुगर इनमें से कौन सी एक कीटो शुगर है तो कीटो शुगर है राइबुलोस ऑप्शन सी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है गोस्ट पीक इन क्रोमेटोग्राफी इज ड्यू टू सो क्रोमेटोग्राफी में गोस्ट पीक किस वजह से आती है क्या रीज़न है उसके पीछे सो गोस्ट पीक आने का रीज़न होता है इम्प्योरिटी अगर कंपाउंड में इम्प्योरिटी है तो गोस्ट पीक भी हमें देखने को मिलेगी नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग ड्रग ओनली एक्ट्स एज आर्टीरियल बेसोडाइलेटर सो इनमें से कौन सा ड्रग जो है वो आर्टीरियल बेसोडाइलेटर की तरह एक्ट करता है सो so, इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है हाइड्रालाजीन ऑप्शन ए इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है ओन्डा सेट्रोन इज यूज फॉर सो ओंडा सेट्रोन किस कंडीशन में यूज़ किया जाता है सो इट इज़ यूज फॉर एंटी कैंसर एजेंट इंड्यूस्ड एम एस एस सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है पी जी इज सिंथेसाइज बाय पी जी प्रोस्टक दे आर सिंथेसाइज बाय काक्स वन पास पे कॉक्स टू काक्स थ्री सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है दैट इज ऑल ऑफ द अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मेलिटी ऑफ कंसनट्रेटेड एस सी एल इज़ अप्रॉक्सीमेटली एस सी एल की नॉर्मैलिटी फाइंड आउट करनी है इसमें सिंपल नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला लगेगा इक्विवेलेंट वेट वाला एंड इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है इलेवन पॉइंट सेवन नॉर्मल ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस एंड ट्रांस स्टिल बीन आर कॉल्ड एज सिबीस को क्या कहा जाता है सो दे आर कॉल्ड एज डास्टीरियोमर्स ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्टवाल्ड राइटनिंग इज एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन द फॉर्मुलेशन ऑफ ऑस्टवाल्ड राइटनिंग किसका एक किस फॉर्मूलेशन की का एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ सस्पेंशन ऑप्शन सी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ह्यूमन ब्लड इज ह्यूमन ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होता है सो so, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है सेवन पॉइंट सिक्स फाइव ह्यूमन ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ सेवन पॉइंट सिक्स फाइव एटमोस्फेयर नेक्स्ट क्वेश्चन है एस एम ओ एन सिंड्रोम इज रिलेटेड टू सो स्मॉल सिंड्रोम किसके साथ रिलेटेड है किस ड्रग के साथ सो इट इज रिलेटेड विद क्वीन आइडोक्लोर क्विन आइडोक्लोर के साथ ये एसोसिएटेड है स्मॉल सिंड्रोम ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन इन मोनो सब्सिट्यूटेड साइक्लोहेक्सिन इज सो मोनोसब्सटीट्यूटेड साइक्लोहेक्गजेन में मोस्ट स्टेबल कन्फिगरेशन कन्फर्मेशन कौन सी है सो so, इसमें जो मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन है वो है इक्वाटोरियल ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्पीसी कंटेन हाइएस्ट अमाउंट ऑफ क्यूनिन सो इनमें से कौन सी स्पीसी जो है उसमें हाइएस्ट अमाउंट ऑफ क्यूनिन प्रेजेंट होता है इसमें जो काली सा स्पीसीज है उसमें हाईएस्ट अमाउंट ऑफ क्यूनिन जो है वो प्रेजेंट रहता है सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल इन इंजेक्टेबल्स एक्सेप्ट सो इनमें से कौन सा एक प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल इंजेक्टेबल का नहीं है सो so, ये हमें बताना है सो so, इसमें ग्लास जो है ग्लास మే హం ఇంజెక్టబుల్ కో ప్రిపేర్ మీన్స్ แพక్ కర్ సక్తే హే పివిసి మే పాలీ వినైలన్ క్లోరైడ్ అండ్ ఎలాస్టోమర్ سین తీనో క యూజ్ కియా జాతా హే ప్రైమరీ ప్యాకేజింగ్ కే లియే ఇంజెక్టబుల్స్ కి లేకిన్ అల్యూమినియం ఫాయిల్స్ క యూజ్ ਇਸ మే నహీ కియా జాతా హే సో ఆప్షన్ డి ఇస్ క్వశ్చన్ క రైట్ ఆన్సర్ హే ఇస్మే యాక్చువలీ ఎక్సెప్ట్ అండ్ నో దోనో టర్మ్స్ యూజ్ కర్ ది గయయే హే ఏక్ హి చీజ్ ఇస్మే యూజ్ హోగి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ అ ఫ్రీ ట్రేడ్ పోర్ట్ ఇన్ ఇండియా फ्री ट्रेड पोर्ट इंडिया का कौन सा है सो फ्री ट्रेड पोर्ट है कांडला ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन एक्सॉल इंसुलिन कहाँ पे किस पार्ट पे या किस सेल पे काम करता है सो इंसुलिन एक्स ऑन लीवर एंड मसल्स लीवर और मसल्स पे काम करता है नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेहलोज इज ट्रेहलोज क्या है सो ट्रेहलोज इज अ लाइव प्रोटेक्टेंट ऑप्शन ए इज करेक्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का ऑनसेट ऑफ एक्शन फॉर नेसल नेसल डिलीवरी सिस्टम इज तो नेजल डिलीवरी सिस्टम के लिए ऑनसेट ऑफ एक्शन कितना होता है क्या टाइमिंग रहती है उसकी सो so, इसमें तीन से पाँच मिनट में हमें एक्शन देख आउटपुट देखने को मिल जाता है तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट तो so, यहाँ पे हंड्रेड क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं सो so, इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच